अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, टू कन्वर्ट कन्वर्ट सेल्सियस टू सेल्सियस टू फारेनहाइट। ओके, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट। आमर जो स्फुटनांक अच्छे स्फुटनांक रु आम किपरी गणनांक रे आम कन्वर्ट करवा बुझीगला। हाउ वी कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, मन कर आम पाखरे 10 डिग्री सेल्सियस अच्छे, तो आम फास्ट कौन करवा, फास्ट मल्टीप्लाई बाय 9, 9 सहित आम गुणन करवा, फास्ट मल्टीप्लाई बाय 9, आम 10 सहित गुणन करदे 9 को कितने हम ना व्हाट वी गोट इज फाइंड आउट 90 इज द रिजल्ट, आम 9 सहित गुणन करदे 90 हो बुझेगा। तो जहाँ बाहर ता सहित आम कौन करवा डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 90 एंड डिवाइडेड बाय 5, जहाँ बाहर ताकू आम 5 सहित हरण करदे डिवाइडेड बाय 5, तो कैसे बाहर जितकी बाहर सी हूँ आमर बत सहित आम जो करदे, तो कैसे डिवाइडेड कर दिले 18, जहाँ बाहर ता सहित आम कौन करवा 18 एड बाय 32, जहाँ बाहर ता सहित आम 32 जोग करदे बुझीगला। डिग्री सेल्सियस अच्छी टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट आम केमती करवा, जीक थी 9 सहित प्रथम गुणन करदे, जहाँ बाहर 5 सहित डिवाइडेड करदे हरण करदे, जहाँ बाहर ता सहित 32 जोग करदे, जीक बाहर केते हे ना 0 then 4 5 50 degree Fahrenheit बुझीगला। तो ये हूँ हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट। ओके, वन्स मोर न्यू एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ 20 degree Celsius वन्स मोर एग्जाम्पल, फिर और एक बार आम आउ गोटे उदाहरण देवा 20 degree Celsius अच्छे, तो कौन करवा इनटू मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू हाउ मच 0 and 18 हो गया। तो आमर जितकी सेल्सियस अच्छे आम प्रथम 9 गुणन करवा, जितकी बाहर 180 ता सहित कौन करवा डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 5 सहित आम हरण करवा बुझीगला। डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू हाउ मच 3 and 6 हो गला, 36 एड बाय 32, जहाँ बाहर ता सहित आम 32 जोग करदे इक्वल टू के 6 to 8 and 3 3 6 डिग्री फारेनहाइट बुझीगला। गोटे जो संख्या थी से संख्या सहित आम 9 गुणन करवा, जहाँ बाहर ता सहित आम 5 हरण करदे, जहाँ बाहर ता सहित 32 जोग करदे, आमको ये जिनस को मन रखा पड़ है, तो बाहरी पड़ फारेनहाइट बुझीगला। जदि फारेनहाइट थी, फारेनहाइट थी आम सेल्सियस परिणत कले कौन हम सेल्सियस परिणत कले आम साइन चेंज हो, ये प्लस 32 अच्छी माइनस 32 हो, ए डिवाइडेड बाय 5 अच्छी इंटू 5 हो, सी मल्टीप्लाई 9 अच्छी डिवाइडेड बाय 9 हो बुझीगला। यह भाव में आमर सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करा जाए बुझीगला। थैंक यू।